आपको क्या लगता है कि सब लोग सबसे पहली चीज क्या करते रहेंगे सुबह उठने के बाद? हाँ, ये तो तय है कि सबसे पहली चीजों में मोबाइल तो डेफिनेटली आता है, बट वो उनको मोटिवेट नहीं करता रोज सुबह उठने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या मोटिवेट करता है रोज सुबह उठने के लिए? बट खैर दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमेरिका में कंडक्ट किया गया हुआ एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक फर्स्ट थिंग जो किसी भी इंसान को सुबह उठने के लिए मोटिवेट या फिर मजबूर करता है तो वो है पैसा या फिर काम। स्टडीज रिवील करती है कि 56% मेन और 48% वुमेन पैसों के बारे में सोचते हैं सुबह सुबह उठने के बाद ही। फर्दर स्टडीज ये भी बताती है कि ऐसे थॉट्स आप स्लीपिंग स्केड्यूल के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। सर्वे के मुताबिक जो लोग सुबह पैसों के बारे में सोचकर उठते हैं वो लोग अपने मोबाइल में अलार्म बजने पे स्नूज बटन नहीं दबाते, और जो रोज सुबह 5 बजे उठते हैं वो लोग हाईएस्ट सैलरी अर्न करते हैं, और जबकि जो लोग 6 बजे उठते हैं उनको हायर जॉब सेटिस्फेक्शन तो होता है बट एक एवरेज सी सैलरी मिलती है। बट ये सर्वे ये प्रूव नहीं करता कि जो लोग वर्क के बारे में सोचते हुए उठते हैं और अलार्म स्नूज नहीं करते वो ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। और आप क्यों स्नूज बटन दबाते हो इसका रीजन तो आपके काम के रिलेटेड ही हो सकता है। आगे बताया है कि गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज अपने करियर के बारे में सोचते हुए उठते हैं, और जो लोग फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में हैं वो लोग भी। लोग जो लीगल प्रोफेशन में हैं वो नहीं सोचते अपने काम के बारे में जब वो सुबह उठते हैं। तो खैर, अब देखते हैं कि सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट एमी कडी के मुताबिक सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो है स्ट्रेचिंग। जी हाँ, एवरी डे, वो भी बिना भूले। आपको फील होना चाहिए आपके टिप ऑफ टोज से लेकर टॉप ऑफ फिंगर्स तक। ऐसा करने से आपको पावरफुलर एनर्जेटिक फील होगा और आपका काम पे भी ज्यादा फोकस होगा। तो दोस्तों, अगर आप काम पे भी ज्यादा फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका काम अच्छा होगा, आपको प्रमोशन मिलेगी और आप और भी ज्यादा अच्छा कमा सकते हो। तो सुबह उठने से पहले एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इससे जुड़े आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।